हेलो फ्रेंड्स, सोनी की रसोई में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको ब्रेड से टोस्ट बनाना 15 मिनट्स में बन जाएगा। और जिन लोगों को मीठा खाना पसंद है वो इस रेसिपी को झटपट बनाकर और जल्दी से खा सकते हैं। तो चलिए, हमें इसके लिए चाहिए सबसे पहले 6 ब्रेड। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो, 5 से 6 बादाम जिनको हमें अभी काटना है, 1 कटोरी घी एंड 1 कटोरी चीनी चाशनी बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले गैस चलाएंगे। और इसमें घी को गर्म होने के लिए रख देंगे। आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर देसी घी का यूज कर रही हूँ जो पतंजलि ब्रांड का है। जब तक घी गर्म होता है हम चाशनी को बनने के लिए रख देंगे 1 कटोरी। और इसमें 1/2 कप हम पानी डाल देंगे क्योंकि हमें चाशनी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी चाहिए। जब तक हम बादाम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घी भी थोड़ा गर्म हो गया है और चाशनी में भी मगर सारे वाली चाशनी बना, एक तार से थोड़ी सी थिक चाशनी हमें बनानी है जो हमारे ये अच्छे से डिप हो जाए टोस्ट में। तो हम पहले यहाँ पर 2 स्लाइस लेंगे और इसके कोनों को यहाँ पर कट कर देंगे। आप चाहें तो इसको कॉर्नर के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कॉर्नर कट कर दे रही हूँ क्योंकि ये पहले ही ब्राउन है और फ्राई करने के बाद ये और डार्क ब्राउन हो जाएंगे। हल्के हल्के कॉर्नर्स को कट कर दीजिए। अब देखिए, हम इसमें 2 तरह की शेप दे सकते हैं, एक तो हम ऐसे करके और एक हम दे सकते हैं ये वाली। तो हम फिलहाल देने वाले हैं इसको ट्रायंगल शेप। देखिए हमारी ट्रायंगल शेप हो गई है। ऐसे हम 2 ब्रेड और लेंगे। देखिए हम इसको भी हम रेक्टेंगल शेप देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे फ्राई जब तक हमारी चाशनी ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा घी हो गया है बिल्कुल गरम और अब हमें इनको एकदम से डाल के एकदम से निकाल लेना है। हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है कि हमें किसकी सहायता से इनको फ्राई करना है और किस चीज़ में इन्हें निकालना है। तो वो बर्तन हम पहले से ही ले लेंगे क्योंकि हमें इनको इसमें ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। गैस की फ्लेम आप चेक करते रहिए, अकॉर्डिंग टू आपको तेज चाहिए या मंदी चाहिए उसके हिसाब से। और ये आप यकीन नहीं मानोगे, ये इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, क्या हमें इसको इतना ब्राउन करना है जितना कि ये हुआ है बिल्कुल क्रिस्पी। अब हम इनसे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमें कड़वे लगेंगे।
इनमें थोड़ा कड़वापन आ जाएगा, भले ही हम चाशनी भी डालेंगे लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। हमें इसे ब्राउन करना है और निकाल लेना है एक प्लेट में। आप चाहे तो इनको टिश्यू पेपर के ऊपर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास टिश्यू पेपर अभी अवेलेबल नहीं है। डालेंगे चाशनी के अंदर, ऐसे डुबोया और ये निकाल लिया, ऐसे एक और डुबोया, निकाल लिया। ब्रेड होने की वजह से इनमें चाशनी ऐसे चली जाती है, हमें ज़्यादा देर तक चाशनी में रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस डिप करना है और चाशनी से निकाल लेना है। अगर आप चाशनी में ही डाल के इसे छोड़ दोगे तो ये क्या है ना, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, इनमें जो है क्रिस्पीपन है वो नहीं आएगा। तो हमें डालना है गर्म चाशनी में ही और इनको झटपट से निकाल लेना है। टोस्ट रेडी है और जब आप इनको सर्व करोगे तो कुछ इस तरह से सर्व करना। मैंने एक शेप के एक साइड में निकाल लिया और एक शेप के एक साइड में रखती है। और अब हम इनमें ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। रेसिपी एकदम मस्त, मेरे तो देख के मुंह में आ गया है पानी। और मैं तो जरूर आपको ये कहूँगी कि आप भी ये अपने घर में बनाएं, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, और आप भी खूब एंजॉय से खाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाना।